बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम नदीम शाह है और आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ JKTV के मुजफ्फराबाद स्टूडियो से। मुजफ्फराबाद शहर का हालिया मसला जो करंट अफेयर है, नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट और इससे होने वाले असरात, मुजफ्फराबाद पे उसके एक बहुत ही तबाहकुन जो माहौलियाती असरात हैं वो रुनुमा होना शुरू हो चुके हुए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करके इससे बिजली की पैदावार शुरू कर दी गई है। इस पूरे तनाजुर में हमारे मुजफ्फराबाद के चंद लोगों ने एक तहरीक स्टार्ट की जिसका नाम था मुजफ्फराबाद बचाओ दरिया बचाओ, एक तहरीक थी। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए काफिला बनता गया। आहिस्ता आहिस्ता इस तहरीक ने मुजफ्फराबाद के हर खास और आम के दिल में अपनी जगह बनाई और ये एक यकजबान होकर मुजफ्फराबाद की आवाम रोडों पर आई अपने हकूक के लिए। वादा की तरफ से आज़ाद कश्मीर में जितने भी बिजली के मंसूबे लगाए गए वो बगैर वायदे के लगाए गए, उसमें कश्मीरी आवाम का ख्याल नहीं रखा गया। मुजफ्फराबाद की आबादी बहुत ज्यादा थी लेकिन इसको बहुत कम जाहिर करके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। किसी ने यह जहमत गवारा नहीं कि हमारी आजाद हुकूमत से, हमारे वजीर आजम से, हमारे सदर से इजाजत तो इजाजत, वायदा करने की जहमत भी किसी ने नहीं उठाई। अब इस सारे मामले पे जो कुछ होना था वो हो चुका। मुजफ्फराबाद की आवाम सरा पे एहतजाज है, रोडों पर है और दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ तहरीक ने 10 जनवरी को शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की एक वो कॉल भी दे दी हुई है। इससे पहले भी दरिया बचाओ और मुजफ्फराबाद बचाओ तहरीक ने बहुत से मुजाहरे किए, आपको लाइव कवरेज भी दिखाई गई, वहां पर लोगों के तासरात भी आपने जाने। किस्सा मुख्तसर यह है कि मुजफ्फराबाद की आवाम ने नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी तस्लीम नहीं किया। उसके तनाजर में जो मुजफ्फराबाद की आवाम से, मुजफ्फराबाद के शहर से जो वादे किए गए थे अभी तक पूरे नहीं हुए, वो भी पूरे नहीं किए गए और उसके ऊपर एक तबाह कुन प्रोजेक्ट एक और लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी गई जो है चेहलम रिवर पर बनने वाला टनल। अब जिस तरह एक टनल ने मुजफ्फराबाद में एक तबाह कुन एक असरात लेकर आया, एक टनल बना, मुकामी आबादियों के पानी चले गए, हिजरत करने पर मजबूर हो गई, मुजफ्फराबाद का सेवरेज सिस्टम जो दरिया की बदौलत था तबाह बर्बाद हो गया, मुजफ्फराबाद में तहफुन और बदबू के एक ये समझे के बसेरे हो गए इस शहर में। अब हमारा दूसरा जो जेहलम दरिया जेहलम है वो भी छीनने की तैयारी है, उसके टनल के ऊपर एक वो पूरा मनसूबा तैयार है और हमारे जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसमें तो इतनी सख्त नहीं है, उसने तो मेरे ख्याल से ये कह भी दिया था कि प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। एक अगले ही दिन उसकी वही तकरीर हुई और बड़े धल्ले से उसका आगाज काम का आगाज भी कर दिया गया। अभी उसके ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ लेकिन जो उसका पेपर वर्क था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। इस सारे तनाजुर में आज मुजफ्फराबाद से जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको हमने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है शामिल होने की, वो दरियाए नीलम के बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं और वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, वहां से हमारे साथ वो जुड़ चुके हुए हैं। हमारे साथ इस टाइम दरियाए नीलम के किनारे बैठे हैं जनाब मीर अफजल सलेहरिया साहब, आप सदर हैं कश्मीर नेशनल पार्टी मुजफ्फराबाद के। उनके साथ मौजूद हैं शौकत नवाज मीर साहब, आप सदर हैं अंजमन मरकजी अंजमन ताजरान जो मुजफ्फराबाद की तंजीम है और बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं फैसल जमील कश्मीरी साहब, किसी तारफ के मुताज नहीं है, मुजफ्फराबाद के हक के लिए जहां भी आवाज उठाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी आवाज हाजिर की और खुद भी ये वहां पर मौजूद रहे। उनके साथ मौजूद है कानूनी एक पहलू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है राजा अमजद अली खान साहब को, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और बहुत ही जबरदस्त सोशल वर्कर हैं और इस मुजफ्फराबाद बचाओ दरिया बचाओ तहरीक के ये समझे के रूह रवा भी हैं, एक बड़े कलीदी किरदार है इन तमाम अफराद का। खवातीन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी मामले में, चाहे वो घर बस्ती हो, चाहे वो कोई सोशल वर्क हो, चाहे वो पूरे मुल्क का निजाम हो, तो खवातीन एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है हर मसले में।
आज हमारे साथ मौजूद हैं रीना सईद आवान एडवोकेट साहिबा, वो खवातीन की अपनी एक नुमाइंदगी देंगी इस प्रोग्राम में। सबसे पहले जो मैं सवाल करना चाहूँगा वो शौकत नवाज मीर साहब से होगा, क्योंकि इस हमारी दरिया बचाओ तहरीक और इस जो हमारा प्रोजेक्ट की तनाजर में जो असरात हुए इन पर आवाज़ उठाने में ताजरान का एक कलीदी किरदार है, और जहलम जो हमारा जहलम दरिया पर जो टनल का मनसूबा है, जो कोहाला प्रोजेक्ट है वो जो लॉन्च किया है, उस पर भी जो एहतजाज हुआ है इसमें हमारी ताजर बरादरी का कलीदी किरदार है। उसी ताजर बरादरी की नुमाइंदगी के लिए आज शौकत नवाज मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और दरिया नीलम के बिल्कुल किनारे आप बैठे हैं और यहाँ से हमें आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज आप करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट के तनाजुर में ताजर बरादरी का क्या कहना है, ये प्रोजेक्ट मुजफ्फराबाद के लिए कैसा है, और जो आपकी काल जा रही हैं हड़तालों की और आप मुसलसल हड़तालें कर रहे हैं, उनके तनाजुर में आपका क्या लाया अमल है, इस बारे में हमें जरा अपडेट कीजिए ताकि हमारे नाज़रीन भी सुने कि मुजफ्फराबाद के अवाम और मुजफ्फराबाद के ताजर क्या कह रहे हैं और मुजफ्फराबाद के अवाम की आवाज़ क्या है। रहमान रहीम, ये जो आज कल मुजफ्फराबाद में हमारे जो प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो लग रहे हैं या जो लगने जा रहे हैं, उनकी वजह से जो इस वक्त इश्यूज़ जो बन चुके हैं, मिसाल के तौर पे जो सबसे पहले हमारा जो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है, सितंबर में उसने अपनी जनरेशन स्टार्ट कर ली है, तो लगते वक्त भी जब ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था 1996 से इस पर काम जारी है, जबकि 2006 में इस पर प्रॉपरली काम स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त भी हमने अपने प्लेटफार्म से मरकज़ी अजमत ताजरान मुजफ्फराबाद के प्लेटफार्म से 2011-12 में एक रिट की थी हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें हमारा मौकफ ये था कि ये जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं इनके बहुत से जहाँ पे आपको एक फ़ायदा तो नज़र आ रहा है कि बिजली बनेगी 1269 मेगावाट, लेकिन दूसरी तरफ जो इसका इशू था कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो थे वो सामने आने थे, जिनका अदराक हमें पहले ही था। हमारे अलावा भी हमारे कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस पर प्रोटेस्ट भी किया कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह ना लगाया जाए। हमारा उस वक्त भी ये मुतालबा था कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट को रन ऑफ रिवर लगाया जाए, इसको डायवर्जन के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, और सबसे पहली जो इसकी फिजिबिलिटी बनी थी वो 400 से 500 मेगावाट की थी और वो रन ऑफ रिवर थी। अब ये नहीं समझ लगी हमें कि अचानक ही उसके बाद इसमें तरमीम होती है और इसकी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाता है और इसको एक टनल के जरिए दरिया को डाइवर्ट करके, नीलम दरिया को डाइवर्ट करके झेलम के अंदर डाल दिया गया, और आपका तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का जो इलाका है जो दो हल्कों के दरमियान है, हल्का 2 और हल्का 4, इनके अंदर जो है वो टनल के जरिए पानी को डाइवर्ट किया गया। जब पानी आपने नोसेरीज के मुकाम से उसको डाइवर्ट करके कोहाला जाके उसको निकाला और उस पर आपने बिजली बनानी शुरू कर दी, पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट था ये 84 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, जो करप्शन की नज़र होते हुए आज 540-545 अरब रुपये पर जो है वो कम्प्लीट हुआ, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो बिजली आपकी पैदा हो रही है वो इस वक्त बामुश्किल आपका एक टर्बाइन चल रहा है, तो तकरीबन 200 या 2 भी अगर लगा लें 200 से 400 मेगावाट बिजली बन रही है। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ी करप्शन की गई है और पूरी प्लान वो करप्शन है कि 84 अरब रुपये का प्रोजेक्ट जो है 545 अरब रुपये में कम्प्लीट किया गया। अब आ जाते हैं क्योंकि एक ट्रेड यूनियन को रिप्रजेंट कर रहा हूँ, तो अब इसके जो डायरेक्ट हम ताजरों के ऊपर जो इसके असरात थे, हमारी इकानमी के ऊपर जो इसके असरात थे, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट लगेंगे इससे बहुत बूस्ट मिलेगा, आज़ाद हुकूमत को बहुत इसका रेवेन्यू मिलेगा, हुकूमत पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, कोई थोड़ा सा रेवेन्यू जो है वो आज़ाद हुकूमत को मिलेगा, लेकिन उसकी तरह दूसरी तरफ उसके नुकसान देखें, क्योंकि जब इन नुकसान को देखेंगे तो अभी बमुश्किल 2-3 साल से जो है हमारी जो टूरिज्म जो हमारा है, हमारी जो इंडस्ट्री टूरिज्म की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि अगर आप इसकी मिसाल मकबूजा कश्मीर में ले लें तो वहाँ पे अरबों रुपए का जो है वो सालाना कारोबार किया जाता है, टूरिज्म आपका इतना वहाँ पे बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया से लोग मकबूजा कश्मीर में आते हैं और अरबों रुपये का जो है वहाँ पर एक रेवेन्यू जनरेट होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो एक छोटा सा जो हमारा उसका एक रेवेन्यू का हिस्सा था वो टूरिज्म की शक्ल में जो है वो अब शुरू हो चुका था, लेकिन वो जो हमारे लोग जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे, पूरी दुनिया से आ रहे थे, पूरे पाकिस्तान से आ रहे थे, वो इस पानी के पीछे आ रहे थे कि ये एक नेचुरल एक यहाँ का सीन था, नेचुरल एक दरिया का फ्लो था, उस पानी की एक ठंडक थी। वो सारी आज जो है जब से ये सितंबर 2018 में जब ये दरिया आपने ये बंद किया और इस प्रोजेक्ट में जो आपने पानी डाइवर्ट किया तो आपका वो दरिया जो है वो आपकी नज़ारे वो आपका खत्म हो चुका है, अब आपका वो टूरिस्ट यहाँ पे आना जो है वो खत्म हो गया है। जो मेरे पीछे आपको वाटर अपना माकड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नजर आ रहा है, ये हमारा पानी का वो इनटेक था
जहाँ से हमने पानी सारा उठाना है और पूरे शहर को सप्लाई करना है। अब क्योंकि यहाँ पानी आपका पानी तो असल रहा ही नहीं है, जितने हमारे गंदे नाले आ रहे हैं ये हमारी सेवरेज है, वो सारा पानी इस वक्त वाटर सप्लाई वाले यहाँ से अपलिफ्ट करके पूरे शहर को सप्लाई कर रहे हैं, जिससे पूरे शहर के अंदर हेपाटाइटिस, दिल की बीमारियां, आप डॉक्टरों से पूछ सकते हैं कि हमारा शहर पूरा बीमारियों से भर चुका है। जी ये सारी बातें बिल्कुल 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 सही है। एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे, एहतजाज कहां तक पहुंचे और कहां तक करने का इरादा और आगे क्या लाए अमल है? हमने मुकम्मल एक अपना शेड्यूल दे दिया हुआ है, 10 जनवरी के हवाले से जो है हमने मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी हुई है, और इंशाल्लाह अगर हमारे साथ हमारे मुतालबात ना माने गए, वो हमारे मुतालबात नीलम जेलम प्रोजेक्ट की शक्ल में है कि उसकी एक NOC के मुताबिक जो एक NOC उस वक्त एक नाम नाद एक NOC जारी की गई थी जिसके 36 नुकात हैं, जिसमें हमारे तमाम चीज़ें जो एड्रेस होती हैं, उनको अगर एड्रेस ना किया गया और कोहला प्रोजेक्ट को जो है वो अगर आप इसी तरह टनल की शक्ल में बनाएंगे तो हम अपने मौकों पे कायम है। 10 जनवरी को इंशाल्लाह मुकम्मल शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और हम उसी पे जो है इक्तफा नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे जो है ऑप्शन मौजूद हैं, वो ऑप्शन बहुत मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, वो हर बंदा अपना जो हक लेना जानता है। और दूसरी बात जो है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ की आवाम के पूछे बगैर आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। वादा कौन होता है कि आजाद हुकूमत के पूछे बगैर यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दे। जी शौकत नवाज भी साहब, बहुत अच्छी रोशनी आपने डाली और इस पूरे तनाजर पे एक आपने तफसीली गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद है राजा अमजद अली खान साहब, आप चूंकि एक तजर्बाकार वकील भी हैं, तो राज साहब आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, कानूनी जो अगर आप पहलू देखें इन पूरे प्रोजेक्ट का जो आजाद मुजफ्फराबाद और बिलखसूस आजाद कश्मीर में बिलमुंह डग रहे हैं, कोई है इनका मेरे ख्याल से वायदा आजाद गवर्नमेंट से नहीं किया जा रहा, हमारी गवर्नमेंट को नहीं पूछा जा रहा, हमारे लोगों को नहीं पूछा जा रहा, जेली फिजिबिलिटी रिपोर्ट वाडा की तरफ से बन रही है, इन सारी चीजों को कानूनी तनाजर में अगर देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप, जरा हमारी आवाम को बताइए ताकि हमें पता चले, आम आदमी को इस नुकते का नहीं पता कि कानून क्या कहता है इस बारे में, आप जरा हमें एजुकेट कीजिए इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मुजफ्फराबाद के बिलखसूस और आजाद कश्मीर के शहरी दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, वो जो उनका एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, जो मुजफ्फराबाद में स्पेसिफिकली 16 सितंबर से जो मुसलसल एक एहतजाज है, ख्वातीन बच्चे नौजवान हर मकतबा फिक्र के लोग जो बगैर किसी तकसीम के, सियासी या समाजी किसी किस्म की तकसीम के बगैर हर मकतबा फिक्र के लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये जो आज़ाद कश्मीर में जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, तो उनके हवाले से तो मैं ब्रीफली जो है वो ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये इशू क्या है जिसने पूरी दुनिया में जो है मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ख़ास तौर पे और आज़ाद कश्मीर के बिलमूम जो लोग हैं वो जिससे शदीद परेशानी का फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और वो हर फोरम पर एहतजाज कर रहे हैं। बेसिक जो इशू है कि जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो पानी का, हमारा सबसे कीमती जो हमारे पास दौलत है उसका जो इस्तेमाल जिस तरह किया गया उसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि बगैर किसी एग्रीमेंट के नीलम जेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से एक रिवर डाइवर्शन का जो इनह्यूमन है, जो इंटरनेशनल वाटर लॉज के तहत किसी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और एनवायरमेंट के उसकी वायलेशन में दरिया का नीलम का रुख मोड़ दिया गया और उससे वो सारी आबादी जो ये पूरे इस खत्े में जिस जहाँ से दरिया गुजर रहा था और ख़ास तौर पे जो है वो उसमें सबसे बड़ा जो मुजफ्फराबाद शहर का, तो वो उसको दरिया से महरूम कर दिया गया और एक चीटिंग और फ्रॉड से जलसाजी से जो ये शो किया गया कि जिस तरह से 969 मेगावाट बिजली क्रिएट होगी जो जनरेट होगी जो एक्चुअल, जबकि वो सारा कुछ गलत है और वो हम जो है वो उसमें कोर्ट में भी गए हैं जहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट की जो ड्राइविंग फोर्स थी, जो प्राइम जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ करप्शन थी और उसकी वजह से जो है पूरे एनवायरनमेंट का इतना शदीद मसला बनाया गया जो फिर एक NOC कंडीशनल NOC एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने दिया था जिस पे एग्री किया वापडा ने, लेकिन उनमें से किसी एक कंडीशन को भी उसको भी फुलफिल नहीं किया और सारी कंडीशन को वायलेट करके दरिया का रुख मोड़ दिया गया। आज ये आपको या मेरे साथ जो है बैकग्राउंड में दरिया की या नीलम की हालत नज़र आ रही होगी कि ये जो लाइफ लाइन थी मुजफ्फराबाद की उसको इस तरह बुरी तरह से जो है वो पामाल करके एक तरह से दरिया का कत्ल करके उसको बल्कि जिंदा दरगोर दरिया को कर दिया गया। तो जो एक्चुअल जो सबसे बड़ा जो इशू है कि जो एनवायरमेंटल जो जितने मिटिगेटिंग मेजर्स थे, एक तो यानी पहले बेसिक बात यह है कि रिवर डाइवर्शन का
कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसके नुकसान को टोटली ख़त्म किया जा सके। रिवर डाइवर्शन जो है वो टोटली इनह्यूमन है, उसके नुकसान को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो मिटिगेटिंग मेजर्स थे वो सिर्फ जो है उस नुकसान को कम से कम मिनिमाइज करने के लिए थे, और उसकी भी कोई परवाह नहीं की गई। और अमलन जो है वो 6 लाख से ज़ायद की आबादी को जो है वो उसको एक तरह से उनका एक इंस्टॉलमेंट्स में उनको कत्ल करने के मुतरादिफ है कि जो यहाँ पे अभी इतना सीवियर मसला पैदा हो गया है। ड्रिंकिंग वाटर भी मुजफ्फराबाद के लोगों को अवेलेबल नहीं है, और सीवरेज के जो सारे जो NOC में जो वापडा ने एग्री किया था जो कंडीशंस को, उसमें ये शामिल था कि यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स वाटर बॉडीज़ बनेंगी, और ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा के जो सीवरेज का पानी है वो ट्रीटेड वाटर दरिया में डाला जाएगा, ताकि दरिया के पानी की मकदार कम होने से भी वो जो सीवरेज वो डिज़ाल्व हो सके। लेकिन उन सारी चीज़ों को बिल्कुल कथित तौर पर वायलेट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो अभी प्रैक्टिकली जो है इन नियर फ्यूचर मुजफ्फराबाद जो है वो लिवेबल नहीं रहेगा, और यहाँ से लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ेगी। तो कोई एग्रीमेंट बगैर किसी एग्रीमेंट के साइन करने के, आज़ाद कश्मीर के लोगों के, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के कंसेंट के बगैर ये प्रोजेक्ट जो है वो ये इट इज़ नॉट लेस देन ह्यूमन टेररिज्म, वाटर टेररिज्म, और ये टोटली इनह्यूमन है। इसके खिलाफ जो हमारी स्ट्रगल आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों की और बिलखसूस मुजफ्फराबाद के लोगों की, ये इस इन डाइवर्शंस के खिलाफ और नीलम जेलम के मिटिगेटिंग मेजर्स और कोला के डाइवर्शन के प्रोजेक्ट को ड्रॉप करके इसका डिज़ाइन चेंज करके किसी और जो है वो तरीके से अगर आइडल इन्होंने जनरेट करनी है बिजली, तो उसके लिए रन ऑफ द रिवर भी वो जनरेट हो सकती है। और ये जो धोखा जो है पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को दिया जा रहा है 969 मेगावाट और 1100 मेगावाट का, ये बिल्कुल टोटली फ्रॉड है। कोई आज वापडा का एहलकार बता सकता है कि अगस्त से जो है वो ये फंक्शनल है नीलम जेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट, तो इसमें कितनी बिजली जनरेट हो रही है? ये 969 का बिल्कुल एक बहुत, ये सिर्फ कास्ट को जस्टिफाई करने के लिए, ये उसकी मैक्सिमम जनरेशन जो सिर्फ 1.5-2 महीने रहती है वो बता के उसकी कास्ट को जस्टिफाई करते हैं, जबकि रन ऑफ रिवर पे इससे ज़्यादा बिजली प्रैक्टिकली जनरेट हो सकती है। और ये हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम अपने मकासद हासिल नहीं कर लेते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमजद खान साहब। कानूनी जो पूरी पेचीदगी और पूरा पहलू था उस पर बड़ी तफसील से रोशनी आपने डाली। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज नीलम किनारे बैठकर उन्होंने अपने एक जज्बात का इजहार भी किया। और इस प्रोग्राम के तनाजुर में अगर मैं जितने भी नाजरीन मुझे देख रहे हैं JKTV के प्लेटफॉर्म से, अपने मेहमानों को दरियाए नीलम के किनारे बिठाकर इंटरव्यू करने का मकसद ही यही था कि दरियाए नीलम की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आप देख लें कि हम दरिया के समझे मिडल में बैठ के अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहां से लाइव हमने स्टूडियो में लिए अपने जो मेहमान है हमारे। देखिए, कोई भी जो मंसूबे हैं वो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, इंसान मंसूबों के लिए नहीं बनाए जाते। हम बिजली के बगैर को रह सकते हैं, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इस एक मंसूबे के इतने तबाहकुन असरात मुजफ्फराबाद पे हुए हैं कि हमारे तकरीबन 60-70 जो हमारे जो गांव हैं वो मुतासर हैं, और आधी आबादी वहां से नकल मकानी हिजरत करने पर मजबूर हो चुकी है, वहां पे पानी नहीं है। और आप एक मंसूबे के असरात को, उस पर कोई भी आप अमल दरामद जो उस पर स्कीमें हैं, जो आपकी वाटर बॉडीज हैं, जो आपकी शजरकारी है, जो आपके वादे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस पर। वापडा कुछ भी नहीं कर रही है, वापडा उसको बिल्कुल एक ये समझिए कि उसको कुछ हैसियत ही नहीं दे रही है। और हमारी गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें भी इतनी सख्त नहीं है कि वो उस पर कुछ आवाज उठाए या उस पर कुछ ऐसे इकदाम करे ताकि हमें जो हमारी जो ग्राउंड रियालिटीज हैं, हमें हमारी आवाम को इस बात का पता चले कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। जस्ट जबानी कलामी बयानबाजी हो रही है और बयानबाजियां दी जा रही हैं, और इन सब पे जुल्म ये हो रहा है कि ये मंसूबा तो एक तरफ जो उससे जुल्म होना था हो चुका, और एक और मंसूबा हमारे पे मुसल्लत किया जा रहा है जिसको हम जेलम रिवर पे जिसको बनाया जा रहा है, कोहाला प्रोजेक्ट जो हमारा, उसको भी एक टनल की टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे दोनों दरिया हमसे छीने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से एक जुल्म अजीम है। अगर जो आपका इस्लामाबाद पार्क है उनके जो सुअर हैं और जंगली बंदर हैं उनकी जिंदगियां अगर कीमती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद नोटिस लेके वो टनल बंद करवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई मसला नहीं आजाद कश्मीर का। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये बंद भी हो सकता है, ये ऑन रिवर भी आ सकता है। देखिए, फ्लो ऑन रिवर आप अगर कोई चीज बना चुना है, मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि हमारे दरिया साहब वो वही वैसे ही रहेंगे, हमारा दरिया कायम रहेंगे, हमारे मुजफ्फराबाद का माहौल कायम रहेगा। जितने भी हमारे जो नुमाइंदे थे हमारी मुख्तलिफ सोसाइटी से, उनके आपने व्यू सुने, उनकी बातें सुनी और मेरे ख्याल से
यही नतीजा आखिर होगा कि हमारे मुजफ्फराबाद के अवाम, आजाद कश्मीर के अवाम इस तरह के कोई भी मंसूबे ना ही लगाना चाहती है और ना ही अफोर्ड कर सकती है। हमने पहले बड़ी कुर्बानियां दे दी हुई हैं, अब हमारी कुर्बानियों का सिरा लेने का वक्त है। इसी तरह के बेहतरीन और मौजूदा मौजूदात पर दोबारा किसी दिन प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अपने मेजबान नदीम शाह को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने की बात। अब हमारे साथ मौजूद है अमीर आजाद सलेरिया साहब। आप चूंकि आजादी पसंद भी हैं और जो कश्मीर नेशनल पार्टी है उसके सदर भी हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अपना एक मौकफ बताइए और आपकी पार्टी का इस पर क्या मौकफ है, और दूसरी सबसे अहम चीज जो ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं, क्या अगर देखा जाए तो आईनी तनाजर में ये प्रोजेक्ट ठीक है, लग रहे हैं, ये लग सकते हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि ये मुतनाज़ा खिता है आज़ाद कश्मीर की सरजमीन, बुनियादी तौर पर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह जब हम आपकी खुदराजियत की बात करते हैं और उस रियासत के उस हिस्से को जो बाकी मकबूजा कश्मीर के अंदर है उसको हम जो है ना मुतनाज़ा समझते हैं, तो फिर इसी तरह रियासत के तीनों हिस्से जो गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है और बाकी मकबूजा कश्मीर है, ये तीनों खिते मुतनाज़ा हैं। तो इन मुतनाज़ा खितों के अंदर जबर और ताकत की बुनियाद पर किसी भी किस्म का कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकता जिससे अवाम के मफादात को, वहाँ के माहौल को ख़तरा लाक हो। लेकिन ये सारी चीज़ें बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान वाप्ता बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का अदारा है और हुकूमत पाकिस्तान की हदूद व क़यूद से बाहर नहीं है, तो वाप्टा ने जबर और ताकत की बुनियाद पे उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ हुकुमरान थे रियासत पाकिस्तान के, तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हुकुमरानों के साथ मिल के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और जब प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा रहा था तो मुजफ्फराबाद में 22 अक्टूबर को जलसा आम के इनेकाद से जो है ना इसके खिलाफ मूवमेंट शुरू की गई, और हम ये अदराक रखते थे उस वक्त भी कि ये आगे चल के बड़ी संगीन सूरत हाल अख्तियार करेगी। और इस बुनियाद पे मुजफ्फराबाद के शहरियों ने मूवमेंट शुरू की, कौम परस्तों ने इस पर अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन उनकी आवाज़ को इस बुनियाद पे जो रियासती जबर के हथकंडे हैं उस बुनियाद पे उनको जो है ना वो किया गया, डिस्पर्स किया गया और उन पे वो इल्ज़ाम लगाए गए जो हमेशा से जो है ना एंटी स्टेट और इस तरह की एलिगेशन लगा के इसको मुकदमात में जाके प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। और जब सितंबर के अंदर दरिया का रुख तब्दील कर दिया गया तो मुजफ्फराबाद के शहरियों ने इसके खिलाफ शदीद गम उसे का मुजाहरा किया और आज दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ तहरीक की सूरत में न सिर्फ मुजफ्फराबाद के तमाम लोग इसका हिस्सा हैं बल्कि जो है ना आज़ाद कश्मीर और बैरून ममालिक बैठे हुए लोग भी इसके खिलाफ नफरत और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसी जो है ना नई अख्तियार करना चाहिए रवैया या तरीका कि जिसकी वजह से रियासत के अंदर से जो एक बड़ी पुरमन खिता है वहाँ से एक नफरत की फ़जा पैदा हो और वो जो है ना गुज़श्ता कई महीनों से एक नफरत की फ़जा पैदा हो रही है वापटा के ख़िलाफ़ और वो डाइवर्ट की हो जाएगी मुस्तकबल में रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान को असूली तौर पर यहाँ रियासत के अंदर ऐसे किसी किस्म के कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से जो है ना यहाँ नफरत की फ़जा पैदा हो और रियासत के उस पार भी जो है ना एक अच्छा मैसेज ना जाए। दूसरी बात यह है कि आप एक गलती कर रहे हैं, ये बड़ी बदकस्मती है कि पाकिस्तान की हुकूमत गलती के ऊपर गलती करती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को भेड़ बकरियां तसव्वुर किया जाता है, उनके आइनी कानूनी हकूक़ को कभी जो है ना वो तस्लीम न किया गया और ना ही किसी दायरे के अंदर लाया गया। तो आपने एक दरिया को डाइवर्ट किया, लोगों से उसकी तहजीब छीनी, मुजफ्फराबाद से उसकी तहजीब छीनी, उसका कल्चर छीना, और अब जो है ना आप उस दूसरा दरिया जो जेलम है जो कदीम वतस्ता के नाम से याद किया जाता था आज आप उसकी शनाख्त मिटाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है ना बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, रियासती जबर है और इस जबर को किसी भी सूरत में हम तस्लीम नहीं करेंगे। जी मीर आजाद सलेरिया साहब, आपने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे तनाजर में सामने रखा और जितनी भी बातें की बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल चीज ये है कि अपने हक को
पाने के लिए उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ती है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, उसके लिए मेहनत चाहिए। कोई आपको प्लेट में रख के, थाली में रख के आपको अपना किस तरह ही नहीं दे देता। बहुत कम ऐसा हुआ कि आपको ऐसे आपका हाथ मिला है। अपने आप के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और यहां पर ऐसा है कि जद्दोजहद करने वाले लोग तो बहुत कम है, जो है भी उनको भी बड़ी तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि तनकीद जो है वो इंकलाबियों के लिए कोई इतना मान नहीं रखती। खवातीन का बड़ा किरदार होता है हर चीज में। हर जो हमारा एक वर्क होता है, हमारा जो एक गाइडलाइन होती है, हमारे चाहे वो कोई मशवरा मशावरत हो, घर का हो या बाहर का हो, खवातीन का बड़ा क्लियर किरदार है। खवातीन की नुमाइंदगी आज कर रही हैं रीना सईद आवान एडवोकेट साहिबा। रीना साहिबा मुझे ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से पहले तो ये बताएंगे आप क्या कहेंगी, दूसरा इस प्रोजेक्ट में जितना एहतजाज हो रहा है और जो एहतजाज आगे होगा उसमें खवातीन का क्या किरदार होगा? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रीना सईद आवान। ये जो बात की जा रही है नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के हवाले से, ये जो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये 2006 में इस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, इस पर काम करना शुरू किया गया। और ये जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जबकि ये कोई एग्रीमेंट, प्रॉपर एग्रीमेंट जो है अभी तक साइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इससे जो है आबादी पे बड़ा इफेक्ट हुआ है। जो 6 लाख की आबादी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो तो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गई है। और ये सीधा सीधा इंफ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक इंटरेस्ट को जो है इंफ्रिंज किया जा रहा है। और ये जो हमारे गवर्नमेंट है, इसमें मैं गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराऊंगी, क्योंकि जब भी कोई भी जो गवर्नमेंट है आती है तो वो आवाम के साथ आती है, हमारे वोटों पे आती है। और ये जो हमारे वोट हैं जो हमने दिए हैं, ये तो इसका मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए था कि हमारी आवाम जो है इसे कितना अफेक्ट हो रही है, इतना इससे कितना मुतासर हो रही है। इस टाइम जो हमारी आवाम है पूरे मुजफ्फराबाद के अंदर, आप देख सकते हैं कि पीने का साफ पानी लोगों को मैसर नहीं है, लोगों को लाइट्स का प्रॉब्लम है, सब कुछ है। जबकि हमारे पास जो हमारा वाटर है नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, पर पाकिस्तान को इससे जो है ना अवेल किया जा रहा है, इस नेचुरल प्रोसेस को पाकिस्तान अवेल कर रहा है, जबकि हमारा होम स्टेशन है हमारा जो मुजफ्फराबाद है इसको अवेल करना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, जबकि मुजफ्फराबाद को इस चीज़ से महरूम रखा गया है। और आप दुनिया भर में देख सकते हैं ये जो वाटर है, जो सीवरेज लाइन सिस्टम होता है, वो कहीं पर भी सीवरेज लाइन को साफ या चलते पानी के अंदर नहीं डाला जाता। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया कि हमारी सीवरेज लाइन को जो है मैनेज किया जा सके या उसके बारे में कोई सिस्टम बनाया जा सके। अब जो हमारी सीवरेज लाइन है वो चलते पानी के अंदर डाल दी जाती है, जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस सीवरेज लाइन से जो बीमारियाँ पैदा होंगी लोगों को, और जो लोग जो है इससे मुतासर होंगे, तो फिर उन लोगों का क्या होगा और वो लोग कहाँ पर जाएंगे? जैसा कि हमें पता है कि मुजफ्फराबाद की जो आबादी है वो लगभग 6 लाख के करीब है, और जो लोग हैं देहातों से शहरों की तरफ जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि ये दरियाओं का जो डाइवर्जन है वो किया गया है। बेसिकली जो नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो किया गया वो तो ठीक, अब जो नेक्स्ट ये जो कोहाला टनल है वो अब ये कायम करना जा रहे हैं, वो किस बेस पे कायम करना जा रहे हैं, ऐसा कौन सा इन्होंने एग्रीमेंट किया, और ऐसा एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ऐसे एग्रीमेंट को दुनिया में नल एंड वॉइड करार दिया जाता है, ऐसे एग्रीमेंट को कहीं पर भी नहीं माना जाता। रह गया जो ख्वातीन के हवाले से मैं बात करूंगी, इसमें ख्वातीन का बहुत अच्छा किरदार है, ख्वातीन बच्चे बूढ़े नौजवान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदे का मामला नहीं है, ये पूरी आवाम का मामला है, ये हमारे बच्चों का, हमारे फ्यूचर का, हमारी ख्वातीन का, हमारे बुज़ुर्ग हजरात का, सबका ये मामला है। और इंशाल्लाह 10 जनवरी को जो शट डाउन हड़ताल होने जा रही है उसमें ख्वातीन जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, और पीछे भी रिसेंटली भी ख्वातीन ने बहुत से मुजाहरे किए हैं पब्लिक लेवल पे जो है किए गए हैं। इंशाल्लाह जो ख्वातीन हैं वो 10 जनवरी को शट डाउन हड़ताल में भरपूर शिरकत करेंगी और शाना बशाना इसके साथ चलेंगी। जी रीना साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर जो भी इंकलाबी अगर कोई तहरीक होती है या कोई भी तहरीक है उसमें खवातीन का बड़ा किरदार है, और आपने ये कहा कि खवातीन हर प्लेटफॉर्म पे इस तहरीक के साथ हैं, और मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर के हकूक के लिए अगर आवाज उठाई जाएगी और जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो खवातीन का एक अमली किरदार, अमली एक जो काम है वहां पर मौजूद रहेगा। फैसल जमील कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल जमील कश्मीरी साहब, इस प्रोजेक्ट के तनाजुर में वापदा ने जो हमारे मुजफ्फराबाद की अवाम पे जुल्म अजीम किया, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे मुजफ्फराबाद के लिए तमन्नाई का मंसूबा है? ये नहीं होना चाहिए क्या? तमन्नाई का मंसूबा कोई होना ही नहीं चाहिए।
क्या जो हमारे मुजफ्फराबाद के लिए, जो हमारे आजाद कश्मीरी के लिए तबराई के मंसूबे हैं वो जरूरी हैं या नहीं है? क्या तवनाई के मंसूबों के तनाजुर में ये मंसूबा ठीक नहीं है? क्या हमारे मुजफ्फराबाद में तवनाई का मंसूबा लगना नहीं चाहिए? किस तनाजुर में देखते हैं आप ये सारी चीजें? अच्छा, एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो जरूरत है, पूरे मुल्क की जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, लेकिन ये लोगों की जिंदगियों की कास्ट पे नहीं होने चाहिए। ये बड़ी एक मोटी सी बात है और चीटिंग और फ्रॉड पे मबनी नहीं होने चाहिए। अब मुजफ्फराबाद के अंदर दो दरिया बहते हैं, सबको पता है, दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम। और दरियाए नीलम जो है वो एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है मुजफ्फराबाद के अंदर। उसकी वजह यह है कि इस दरिया से शहर के लोग जो हैं वो पीने और इस्तेमाल का पानी भी हासिल करते हैं। तकरीबन इस वक्त इसकी ज़रूरत जो है लोगों की 1 करोड़ गैलन पानी यहाँ से, जो माकड़ी फिल्ट्रेशन प्लांट है, यहाँ से लिया जाता है और पूरे शहर को सप्लाई किया जाता है। तो अब जो दरियाए नीलम का रुख तब्दील हुआ है नीलम जेहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से, वो ये हुआ है प्रॉब्लम के जहाँ से अब ये पानी लिया जा रहा है वहाँ करीब ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आलूदा कर रही हैं सारे पानी को, चूँकि पानी अब उस मकदार में रहा नहीं है, बहुत कम पानी रहा है। ये जो करीबी नाले हैं इनका पानी इस दरिया में रहा है, जो मंडल का है, झींग का या कोड़ी का नाला है, इन नालों का पानी दरिया में रह गया है। तो ये बहुत ज़्यादा आलूदा हो गया और ये पानी, यही वो पानी है अब जो सक करके पूरे शहर को सप्लाई हो रहा है। लोग ये पानी पीते भी हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस्तेमाल करना तो चलो ठीक है, लेकिन जो पी रहे हैं जाहिर है वो हेपेटाइटिस पी रहे हैं। सीधी सी बात है, अभी भी अगर सब ये टेस्ट करवा लिए जाएँ सारे शहर के अंदर तो वहाँ पर बीमारियों की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है इस पानी को इस्तेमाल करने की वजह से। एक तो इसका पहलू ये है कि प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ है शहर के अंदर। दूसरा ये मसला है कि शहर की जितनी भी सेवरेज है, यहाँ 16 आउटलेट्स हैं जहाँ से सेवरेज का पानी दरिया के अंदर गिराया जा रहा है। एक तो ये बताते खुद बहुत गलत बात है, ये गलत बात जो है इसका सारा जो ये काम किया गया है ये पिछली हुकूमतों ने किया है। इसके अंदर सेवरेज का पानी फेंक दिया है, कूड़ा इसके अंदर फेंकना शुरू किया हुआ है, ये तो है ही गलत चीज़। लेकिन अब मसला ये है कि चीज़ मौजूद है, सबको नज़र आ रही है और ये चीज़ें वापडा की जो स्टडी थी इब्तदाई 1996 और 1997 की, जो नॉर्वेजियन कंसल्टेंट फर्म नोर प्लान से इन्होंने करवाई थी, उसके अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद हैं और उसी में लिखा हुआ है कि 16 जो आउटलेट्स हैं वहाँ से सेवरेज का पानी दरिया में गिर रहा है। अब चूंकि दरिया में पानी उस मकदार में नहीं है तो ये एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गया है, गंदे नाले की शक्ल। तो इसके इर्द गिर्द जितनी आबादी बस्ती है वो भी इससे मुतासर हो रही है और बदबू के भपके इस वक्त उठ रहे हैं दरिया पे से। ये इसका दूसरा बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जिसको के हल करने की ज़रूरत है जंगी बुनियादों पे, चूँकि ये जो मिटिगेशन मेजर्स थे जो सजेस्ट किए थे खुद वापडा की स्टडी के अंदर, उनकी बुलाई हुई नॉर्वेजियन कंसल्टेंट फर्म ने, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अलावा भी जो NOC जारी हुआ कंडीशनल, यहाँ पर जो मुकामी AJK का महकमा है आज़ाद कश्मीर का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उन्होंने जो 2 NOCs कंडीशनल जारी किए 2011 के और 2014 के, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा मसला है बहुत बड़ा, वो ये है कि ये दरिया चूँकि ग्लेशियर्स के पानी जो पिघल के आता था उस पर मुश्तमिल ये सारा दरिया था, तो गर्मियों के अंदर ये जो पूरा शहर है ये चूँकि प्याले की तरह का है, इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं वो पहाड़ गर्म होते हैं तो इस शहर के अंदर गर्मी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं और जो जब ठंडे होते हैं तो वो सर्दी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब मसला यह है कि जब गर्मियाँ होंगी तो ये चीज़ें भी ऑलरेडी नोटेड हैं और ये सारी की सारी लिखी जा चुकी हैं कि इस दरिया को डाइवर्ट करने की वजह से इस शहर का दर्जा हरारत तकरीबन 4 दर्जे तक बढ़ जाएगा। अब जब इसका दर्जा हरारत बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसका असर जो है यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, मसलन रती गली है या ये बाबून टाप है, इस तरह की यहाँ पे जगह हैं जो करीबी हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं और जहाँ के जिन ग्लेशियर्स के थोड़ा थोड़ा वहाँ से पानी का खराज होता है और इस दरियाए नीलम को वो फिल करता है, वो जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघलेंगे और विद इन 5 to 7 years दरिया नीलम के अंदर जो है पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी इस दरिया के पीछे हम हाथ धो के पड़ गए हैं, इसको ख़त्म करने की ठान ली है। बाकी जिस तरह पहले भी बिजली के मंसूबे बनाए जाते रहे हैं डैमिंग के जरिए, पानी को रोक कर बनाए जाते रहे, उस तरीके से बनाए, उसमें तो किसी को एतराज़ नहीं है। टनल पे इसलिए एतराज़ है क्योंकि पहली टनल हम देख चुके हैं, उस टनल ने सारे वाटर चैनल मुतासर कर दिए। नेक्स्ट जो टनल होगी वो अल्टीमेटली सारे का सारा उसका मलबा जितना भी वो शहर के ऊपर आएगा, उसका जितना नुकसान है वो मोस्टली शहर को होगा और जो जिस जगह से आप टनल निकाली जाएगी वो सारा एरिया तबाह हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत और बड़ी तल्ख बातें जो है वो फैसल जमील कश्मीरी साहब आपने की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी बातें आपने की हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन चूंकि सच जरा कड़वा होता है तो बहुत से लोगों को ये हजम नहीं होता और
पूरे इस तहरीक में देखते आए हैं कि लोगों ने बड़ा इसको तनकीद का निशाना भी बनाया। आप पहले कहा था, ये भी कहा गया है बहुत दफा, और ये भी कहा गया कि इंडियन फंडिंग, ये बहुत सी कहानियां हैं जो हम आए रोज सुनते रहते हैं। जो भी अपने हक के लिए आवाज उठाता है, बिलखसूस अगर कश्मीरी अपने हक के लिए आवाज उठाता है, तो उस पर पता नहीं क्या क्या तोहमतें लगती हैं जिनका कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं देखा जाता, कोई ऐसी चीज नहीं देखी जाती कि सबूत लगाने से पहले के इल्जाम लगाने से पहले सॉरी देख लिया जाए कि क्या ये इल्जाम मुसद्दका भी है। खैर, ये जितने भी अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं उनके लिए ये बातें कोई ज्यादा मानी नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती।